देख रहे हैं ARTV चैनल। खैरताबाद के इलाके में कल रात एक सफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखा पोश खातून पर स्टिक से हमला करने का वाकया सामने आया। इस वाकये के बाद मुकामी अफराद के सफाबाद पुलिस स्टेशन के पास सैकड़ों अफराद का हुजूम जमा हो गया और उन्होंने एहतजाज किया। वान अली कल रात कार में अरकान खानदान के साथ जा रहे थे। खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के करीब सामने से गुजरने वाली बस के ड्राइवर ने उन्हें साइड नहीं दिया। बस ड्राइवर के कानों में एयरफोन लगा हुआ था और वो मज़े से गाने सुन रहा था। मुत्तहिद मर्तबा हॉर्न बजाने पर बस ड्राइवर बरहमी के अंदाज में वो बस से उतरा। इसके साथ बस में सवार अफराद भी उतर गए और कार सवार नौजवान से बहस और तकरार के बाद हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बुरखापोश खातून जख्मी हो गई। मुकामी अफराद ने इस हरकत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इस वाक़े के इतला के बाद एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी ने वहाँ पहुँच कर तफसीलात हासिल की। बाद हज़ार मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये देखो ये फूले वहाँ दिख रहा है ऐसा। मिडनाइट एक I-20 गाड़ी जिसमें मोहम्मद रिजवान अली एक 22 साल का लड़का अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। ये खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक सामने बस आ गई TS08UD6246। वो बच्चा गाड़ी को हटाने के लिए हॉर्न किया तो गाड़ी वाला बस वाला दबाया लड़के को। उसके बाद में बच्चा गाड़ी रुका दिया, बस वाला उतर के बदतमीजी से पेश आया, गाड़ी ऑफ कर दिया और बोल सो बदतमीजी से पेश आके बच्चे को मारा। और बस में जो 10-12 पैसेंजर्स थे वो लोग भी हाथापाई करके बच्चे को मारे। और इस दौरान में क्या हुआ कि इमीडिएटली पीछे से पुलिस की गाड़ी आई। वो पुलिस की गाड़ी में SI सूरज कुमार साहब थे जो अपने सहवाद PS के है। वो गैदरिंग देख के बिना प्रोवोकेशन के एक रॉड एक छोटा अपना क्या होता है कपड़े का लाठी टाइप का स्टिक लेके मारन थोड़ी शुरू कर दिए। उसमें लकड़ी भी टूट गई, इसमें थोड़ा एक दो मोहतरमा को मार भी लगा इसमें। और इसमें हम सख्त से कार्रवाई करेंगे, जो भी बस है उसको अरेस्ट करेंगे पूरे लोगों को और SI के खिलाफ भी सख्त से मतलब कार्रवाई करेंगे। डिपार्टमेंट कार्रवाई जो भी है हमारे कमिश्नर साहब को हम लोग उसको रिपोर्ट देकर उस पर एक्शन लेंगे और सस्पेंड करा देंगे उनको। आप देख रहे हैं।